वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, निर्मला की रसोई में मैं निर्मला आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बनाना मिल्क शेक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बनाना मिल्क शेक पीने में बहुत ही टेस्टी यम्मी लगता है और बच्चे तो इसे बहुत ही पसंद करते हैं, यहाँ तक कि बड़े भी इसके बहुत फैन होते हैं। बनाना मिल्क शेक तो अच्छा होता ही है, लेकिन बनाना में भी बहुत गुड़ होते हैं। ये विटामिन्स और आयरन से भरपूर तो होता ही है, ये कुछ खास भी होता है, इसमें गुड़ होते हैं जैसे कि ये तनाव को घटाता है, हड्डियों को मजबूत करता है। अगर कोई जिम ज्वाइन किया है तो अलग से उसे कोई प्रोटीन डाइट लेने की जरूरत नहीं, अगर वो 2 केले का बनाना शेक बनाकर पीता है तो उसकी पूरी प्रोटीन की जरूरत पूरी हो जाती है। तो इतनी हेल्दी रेसिपी को चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक बात इसमें और भी ध्यान देने की जो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि इसके लिए पका हुआ केला लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कच्चा केला लेंगे तो आपके शेक का पूरा टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा केला पका हुआ ही होना चाहिए। बनाना मिल्क शेक बनाने के लिए हमने 2 केले लिए हैं और 1 ग्लास दूध ले लिया है। बनाना को हमने छील लिया है और आइस क्यूब लिए हैं जिसे हमने क्रश कर लिए हैं, और ये लिक्विड ठंडाई ली है 2 चम्मच, थोड़ा सा काजू, थोड़े से बादाम लिए हैं और 1 पिंच हमने दालचीनी का पाउडर लिया है, 2 इलायची पाउडर कर लिया है, क्रश कर लिया है, और गार्निशिंग के लिए थोड़े से कतरे हुए काजू, बादाम और पिस्ता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम पहले इसमें क्रश किया हुआ आइस मिला लेंगे और फिर ये काजू और बादाम और साथ में ये छिले हुए केले मिला लेंगे, और ये जो हमने 1 ग्लास दूध लिया है थोड़ा सा दूध अभी मिलाएंगे इसमें और बचा लेंगे, और ये दालचीनी का पाउडर थोड़ा सा 1 चुटकी डालेंगे, और इलायची क्रश की हुई इसे भी मिला लेंगे, और इसमें हम अच्छी फ्लेवर और अच्छी खुशबू के लिए हम 2 चम्मच ठंडई के डालेंगे। अगर अवेलेबल ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, इसके बिना भी बहुत अच्छा बनेगा। तो अब हम इसको बड़े वाले जार में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। अब हमने इसे 2-3 मिनट तक ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसमें 4 चम्मच चीनी डाल लेंगे और साथ में ही ये पूरा दूध भी डाल देंगे। हम 2 ग्लास बनाना मिल्क शेक बना रहे हैं तो हमने 1 ग्लास दूध का इस्तेमाल किया है और अब इसे हम फिर से ग्राइंड कर लेंगे 2 मिनट के लिए। तो हमारा बनाना मिल्क शेक बनकर के तैयार हो चुका है और इसे हम ठंडा ठंडा ही सर्व करेंगे। बनाना शेक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बना है। अब बारी है इसको गार्निश करने की, तो हम थोड़ा सा ये ठंडई का लिक्विड ठंडई इस पे हम डाल देते हैं ताकि ये और ही ज्यादा यम्मी और टेस्टी लगे देखने में, और इसके बाद हम थोड़ा सा इस पे बादाम से गार्निश करेंगे, काजू थोड़ा डाल देते हैं और पिस्ता भी मिला देंगे
ताकि ये देखने में बहुत ही सुपर यम्मी डिलीशियस लगे। हमारा बनाना शेक बिल्कुल बन करके तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही डिलीशियस रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे न्यू रेसिपी के तुरंत नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में। बाय बाय।